पहले जो क्वा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री है क्या चीज़, और बायोकेमिस्ट्री की स्टडी सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने की थी, और इसकी डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड्स है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, एक है बायो एंड दैट्स अदर वन इज द केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, यानी कि जिंदगी की जो भी, जिंदगी से रिलेटिव जो भी केमिकल्स हैं उनकी जो स्टडी होती है वो कहाँ पे हम करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी अबाउट द केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है उनके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनकी जो स्टडी होती है वो हम कहाँ पर करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री क्या हुआ, बायोकेमिस्ट्री इज टोटली स्टडी अबाउट द लाइफ केमिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोडक्ट, यानी जो भी केमिकल प्रोडक्ट होते हैं या लाइफ से रिलेटिव जो भी केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस होते हैं ना उनकी स्टडीज जो होती है वो हम कहाँ पर करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो कार्ल एलेक्जेंडर एक साइंटिस्ट थे, कार्ल एलेक्जेंडर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1903 यानी कि 1903 में सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने बायोकेमिस्ट्री को डिस्कवर किया, और बायोकेमिस्ट्री को डिस्कवर करने के बाद ही इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, इस वजह से इसको हम फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहले कॉन्सेप्ट कार्ल एलेक्जेंडर साइंटिस्ट ने दिया था जिसने 1903 में इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से कार्ल एलेक्जेंडर को हम फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो उसके बाद आ जाती है डेफिनेशन के, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, के बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो कार्ल एलेक्जेंडर के बुक्स थर्ड एडिशन बायोकेमिस्ट्री में लिखी हुई है कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशंस की अगर बात की जाए तो स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम क्या बायोकेमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, एक तो केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं। यानी केमिकल कंपोनेंट्स क्या, मतलब कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, और केमिकल प्रोसेस क्या जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रीम हो गई, शैम्पूज हो गए वगैरह, यानी केमिकल प्रोडक्ट हो गए जो हेयर्स के लिए, स्किन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या चॉकलेट जो खाते हैं, फैक्ट्री में जो फूड बनते हैं उनकी जो स्टडीज होती है वो हम कहाँ पर करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री टोटली स्टडी इन द केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस, जिसमें केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस के जो रिलेटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक रखते हैं उसकी जिसकी स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। दैट्स ऑल किल बायोकेमिस्ट्री।